गुड मॉर्निंग. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है? ठीक है बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप हमने इससे पहले पढ़ा. नेक्स्ट वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द हाईली मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ हाईली मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स. देख लीजिए बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हाईली मैग्निफाइड इमेजेस देख सकते हैं टाइनी ऑब्जेक्ट्स की. इसलिए एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द हाईली मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो कंस्ट्रक्शन है याद रखना बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो कंस्ट्रक्शन है इट कंसिस्ट्स मेनली टू कन्वेक्स लेंसेस. दो कन्वेक्स लेंस होते हैं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. एक छोटा कन्वेक्स लेंस होता है, एक बड़ा कन्वेक्स लेंस होता है. जो छोटा कन्वेक्स लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं. और जो दूसरा कन्वेक्स लेंस होता है जिसकी लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज एपरेचर होता है और वो आई के पास होता है, उस लेंस को हम बोलते हैं आई लेंस या आई पीस लेंस. दोनों लेंसेज दो कोएक्सियल ट्यूब्स में फिट किए जाते हैं और इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं दो कोएक्सियल ट्यूब्स में. तो आपने देखा भी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो जो शीशा होता है, लेंस जो होता है ऊपर नीचे कर सकते हैं. दे आर फिटेड इनटू कोएक्सियल ट्यूब्स. मैं फिर से बताता हूं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेनली कंसिस्ट्स ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेस. वन कन्वेक्स लेंस विच हैज लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज एपरेचर इज कॉल्ड द आई लेंस एंड द स्मॉल लेंस which has small focal length and small aperture is called objective lens. These two lenses are held in two coaxial tubes. ठीक है, ये है construction. Construction के बाद बेटा इसकी ray diagram होती है, जो कि main है इसकी ray diagram. रे डायग्राम आपको आनी चाहिए बनानी, तब आप लोग इजिली कर सकते हो. रे डायग्राम में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक छोटा लेंस बनाना है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस. इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, ओ से रिप्रेजेंट करके. एक बड़ा लेंस होता है, इस तरीके से ये बड़ा लेंस है, इसको बोलते हैं आई लेंस, ई से रिप्रेजेंट करते. ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर सी वन है, इसका ऑप्टिकल सेंटर सी टू है. एक लाइन दोनों से पास करनी है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस रखना है आपको. ये जो फोकस है ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है एफ ओ. ठीक है बेटा, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस.
ठीक है। तो यहां से आप लोगों को दो रेज डालनी है, एक पैरेलल, एक ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे जो सेंटर से पास होगी, यहां तक आप लोग करिए और यहां से आप लोग इस तरीके से मीट कराए। ये भी एफ ओ है, ठीक है। जहां पर इन्होंने मीट किया वो है ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश जो है ये इस ऑब्जेक्ट ए बी, ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई है। ये इमेज किसने बनाई? ओ ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ठीक है, ए डैश बी डैश। अब ये जो ए डैश बी डैश है बेटा, ये एक्ट करता है इसके लिए ऑब्जेक्ट, मगर याद रखना इसको आप लोगों ने, ये जो इसका फोकस है, इसका जो फोकस है ये एफ ई, आप लोगों ये यहां पर इमेज बनी, तो ये ऑब्जेक्ट शुरू करता है इसके लिए, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट शुरू करेगा। यहां से एक रे और यहां से एक रे ऐसे पास करनी है, और यहां से एक रे पास करनी है ऐसे, ठीक है बेटा। यहां पर आप लोगों को देखना है इमेज, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, इनको बैकवर्ड करना है, इसको भी बैकवर्ड लेना है और इसको भी बैकवर्ड करना है। जहां पर मीट करेंगे ये, वहां पर बनेगी फाइनल इमेज, ये बन गई फाइनल इमेज, ये बन गई ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है बेटा। ये आ गई फाइनल इमेज। मैं फिर से आपको बताता हूं, आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए बी लिया जो ऑब्जेक्टिव लेंस के पास है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश एक्ट करता है एज ऑब्जेक्ट किसके लिए बेटा? आई लेंस के लिए। तो आप लोगों ने यहां से दो रेज डाली, ये दो रेज कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे इस साइड, इनको बैकवर्ड करना है। ये बन गई वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश की, ये बन गई वर्चुअल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। ए डबल डैश बी डबल डैश है फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी, फाइनल इमेज बन गई, ऑब्जेक्ट इतना था, ये फाइनल इमेज बन गई ए डबल डैश बी डबल डैश। ये है वर्किंग। वर्किंग के बाद एक चीज याद रखना बेटा, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज बीटा, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज। और एक चीज याद रखना बेटा, यहां पर इसको बी डबल डैश, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है ऐसे, ठीक है, इसको इस तरीके से एक्सटेंड करना और यहां पर मीट कराना है। इस एंगल को बोलते हैं अल्फा। देखो अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसका मैग्नीफाइंग पावर। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। इसके बाद होता है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय फाइनल इमेज, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैं फिर से बताता हूं, द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट
when both are at least distance of distinct vision is called magnifying power. Magnifying power सबको पता है, size of object upon नहीं size of image upon size of object भी होता है बेटा, size of image upon size of object भी होता है. तो इसलिए अगर आप लोग देखोगे मैग्नीफाइंग पावर ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, मैग्नीफाइंग पावर हम लिख सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश साइज ऑफ फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है बेटा, अगर मैं इसको देखो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ए डबल डैश अपॉन ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, मल्टीप्लाई करूंगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश कैंसल हो जाएगा, फिर से यही बनेगा. लेकिन लिखने का तरीका देखो बेटा, ए डबल डैश ए डैश बी डैश हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, मल्टीप्लाई ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, लिखने का तरीका है बाकी कुछ नहीं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे फिर से यही टर्म बनेगी. ठीक है, मगर इधर देख लीजिए इस टर्म को ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ए डैश बी डैश किसने बनाया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, इसलिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसको बोलते हैं मैग्निफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मैग्निफिकेशन इस लेंस ने की है, मल्टीप्लाई ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ये मैग्निफिकेशन आई लेंस ने की, इसलिए मैग्निफाइंग पावर ऑफ आई लेंस. ठीक है बेटा, तो मैग्निफाइंग पावर होगा मैग्निफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया एम ओ मल्टीप्लाई एम ई, मैग्निफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई मैग्निफाइंग पावर ऑफ आई लेंस. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब बेटा हमें फाइंड करना है एम ओ और एम ई. नाउ टू फाइंड एम ओ मैग्निफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एम ओ को फाइंड करना है बेटा, याद रखिए एम ओ किसने मैग्निफाइंग पावर बनाया, सबको पता है ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफाइंग पावर है, ये है ए बी, इधर से दो रेज डालनी है ऐसे और एक इधर से, जहां पर ये मीट करेंगे वहां पर बनेगा ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस का, सिर्फ यहां तक ऑब्जेक्टिव टू फाइंड एम ओ. मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मैं बता रहा हूं, मैग्निफाइंग पावर ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना है ये आपको देखना है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी. अच्छा इसको हमें निकालना है, शाबाश, इधर देख लीजिए इसको बोलते हैं सी वन. ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी वन सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी वन, ए डैश बी डैश सी वन और ए बी सी वन है सिमिलर ट्रायंगल, देयर फोर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसका मतलब हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी वन बी डैश अपॉन सी वन बी, सी वन बी डैश ये हो गया वी ओ ऑब्जेक्ट, सी वन से बी तक यू ओ डिस्टेंस
डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तक कितनी है, डिस्टेंस इमेज तक कितनी है। वी ओ क्यों रखा मैंने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की डिस्टेंसेस है। तो अब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी ओ, यहां से है पॉजिटिव, यहां से है नेगेटिव, हो गया वी ओ अपॉन माइनस यू ओ। ठीक है, ये आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। किसकी मैग्निफिकेशन आ गई बेटा, ये आ गई ऑब्जेक्टिव लेंस की। याद रखा बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन आ गई। अब आप लोग देख लीजिए, मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा, तो उसके बाद हम करेंगे दूसरा। तो यहां से हम आप लोगों को मिटा के देंगे, इक्वेशन फर्स्ट को रखेंगे। ठीक है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, तो ये डायग्राम भी मिटानी पड़ेगी हमें। अब सिर्फ टू फाइंड एम ई, एम ई को फाइंड करना है बेटा। तो उसके बाद एम ई के बाद हम निकालेंगे ये, एम ई के बाद हम निकालेंगे बेटा ये आ गया एम ओ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। बट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एम ओ। दिस इंप्लाइज दैट एम ओ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया वी ओ अपॉन माइनस यू ओ। ये हम नोट करके रखेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें टू फाइंड करना है एम ई। नाउ टू फाइंड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आई लेंस, सिर्फ लेना है आप आई लेंस। इधर देख लीजिए, ये हो गया आई लेंस, ये हो गया सी टू। ठीक है बेटा, इधर सुनिए, ये आ गया इसका ए डैश बी डैश, यहां से रे पड़ेगी ऐसे, फिर यहां से निकल जाएगी और एक रे ऐसे पड़ेगी। इनको बैकवर्ड करना है और यहां पर मीट करेंगे, ये हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश। सबको पता है यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ये हो गया यू ई, और यहां से यहां तक डिस्टेंस है डी। डी है बेसिकली वी ई। ठीक है, याद रखा बेटा। अब फिर से ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी टू। ठीक है बेटा, ट्रायंगल सिमिलर है, देयर साइड्स आर अगेन प्रोपोर्शनल ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी टू बी डबल डैश अपॉन सी टू बी डैश। ठीक है, जरा मुझे बता दीजिए, सी टू बी डबल डैश हो गया, शाबाश, माइनस डी। ठीक है, अपॉन माइनस यू ई, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड है, ये और ये कैंसल, ये आ गया डी अपॉन यू ई हो गया। बट ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एम ई। दिस इंप्लाइज दैट एम ई इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है बेटा, ये मैग्निफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। नाउ टू फाइंड डी अपॉन यू ई, इसको फाइंड करना है, तब जाके हमें इस इक्वेशन में लगाना है, बाकी तो मैं मिटा दूंगा। शाबाश बेटा, याद रखिए, ये मुझे कोई जरूरत नहीं है अप टू फाइंड एम ई, यू डी अपॉन यू ई निकालना है। इससे पहले वी नो
लेंस फार्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है बेटा, अगर मैं साइन कन्वेंशन अप्लाई करूंगा, अप्लाई साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन को अप्लाई कर दीजिए। शाबाश बेटा, अगर साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, v किसके बराबर होगा, v हो गया माइनस डी। ठीक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो u हो गया माइनस यू ई, एफ हो गया एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव। तो मुझे बता दीजिए ये इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स इक्वेशन, या एफ ई यहां से भी एफ ई, यहां से यहां तक एफ ई ले सकते हो। ठीक है, इक्वेशन फिफ्थ क्या बनेगी, 1/-u = 1/FE। माइनस माइनस प्लस हो गया -1/d। ठीक है, -1/d +1/ue = 1/FE। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई डी, मल्टीप्लाई कर दीजिए डी से दोनों साइडों से, हो गया -1/d/ue = 1/FE। ठीक है बेटा, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये इधर ले लीजिए, हो गया d/ue = 1/1/FE। ठीक है, यहां तक समझ आया। एक मिनट, यहां पर d भी है, d से जब मल्टीप्लाई करूंगा ये d है, ये भी d है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कर दीजिए, ये आ गया d/ue, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। d/ue का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, सबस्टिट्यूट इक्वेशन, पुट इक्वेशन 6 इन 4th। शाबाश, इसका वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए एम ई कितना है। एम ई आएगा d/ue के बजाय लिखेंगे 1/d/FE। ये बॉक्स में रख दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां तक देख लीजिए आप। ये निकाला मैंने एम ई, एम ई का वैल्यू भी निकाला मैंने और एम ओ का भी। इधर सुनिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, थर्ड ये आया, 7th ये आया और 1st ये आया। देयर फोर मैग्निफाइंग पावर होता है बराबर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एम ओ मल्टीप्लाई एम ई, एम ओ को मल्टीप्लाई एम ओ, हो गया एम ओ कितना आया है v0/-u0। शाबाश, मल्टीप्लाई मैग्निफाइंग पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, मल्टीप्लाई एम ई, एम ई कितना आया 1/d/FE। ठीक है बेटा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफाइंग पावर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एक्सप्रेशन आ गया, याद रखना बेटा। ठीक है, थैंक यू।